हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिनर्स कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसको किसने बनाया, उसे किस प्रकार किया जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय और आप देख रहे हैं मॉडर्न साइकोलॉजी। हम इस वीडियो में देखेंगे सिनर्स कॉम्प्लेक्स एंग्जायटी टेस्ट क्या होता है, इसे किसने बनाया और इसे किस प्रकार किया जाता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे इसकी प्रैक्टिकल फाइल किस प्रकार बनाई जाती है। सबसे पहले सिनर्स कॉम्प्लेक्स एंग्जायटी टेस्ट को AKP सिन्हा और LNKP सिन्हा ने बनाया था। इसमें कुल 90 क्वेश्चन थे जो कि इस बात का पता लगाने में मदद करते हैं कि उस इंसान का एंग्जायटी लेवल कितना है। और साथ ही जब यह टेस्ट स्टार्ट किया जाता है तो इसमें उस व्यक्ति के कुछ बायोडाटा डाला जाता है, जैसे उसका नाम क्या है, उसकी आयु क्या है, कक्षा क्या है यानी वो किस क्लास में पढ़ता है, उसका जेंडर क्या है, वो लड़का है या लड़की, ये सब इसमें लिखा जाता है। जैसे मैंने अभी तक आपको बताया कि सिनर्स कॉम्प्लेक्स एंग्जायटी टेस्ट को LKP सिन्हा और LNKP सिन्हा ने बनाया था, जैसे आप साइड में देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। और SAT का मतलब है सिनर्स कॉम्प्लेक्स एंग्जायटी टेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया इसमें कि जिसके ऊपर वो टेस्ट हो रहा है, जो व्यक्ति है उसका नाम आएगा, वो कॉलेज में है या स्कूल में, तो उसकी क्लास का नाम आएगा, वो कितने साल का है वो आएगा, वो कौन से, वो लड़का है या लड़की, ये सब आएगा। इस टेस्ट को किस प्रकार किया जाए, इस टेस्ट में थोड़ा सा आगे लिखा है, जैसे कि इसमें लिखा आगे के पृष्ठों यानी पेजों पर कुछ प्रश्न दिए हैं जिनका संबंध आपके व्यक्तित्व यानी आपकी पर्सनैलिटी से है। प्रत्येक प्रश्न के सामने हाँ और नहीं लिखा है। इन दोनों में से आपको किसी एक पर ही गोला घेरा खींचना है। ध्यान में रहे कि कोई उत्तर सही और ना ही कोई गलत है। जो आपके संबंध में सही हो उसे गोरा खींच दे। यदि किसी पर्सन के उत्तर में हाँ आपके संबंध में लागू होता है यानी आपकी पर्सनैलिटी पे हाँ ला होता है कि हाँ सही आंसर होता है, वहाँ पर लगाए। अगर नहीं पे तो नहीं पर लगाएं। उसका पूर्व उत्तर पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाएगा। जो आप ये टेस्ट करोगे उसका उत्तर पूरी तरह से पर्सनल रखा जाएगा। अतः निसंकोच होकर आप अपनी मर्जी से कोई सा भी उत्तर दे सकते हैं। समय की पाबंदी नहीं है, फिर भी जल्दी कीजिएगा। लगभग ये 20 मिनट में हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है फलंग तालिका मतलब स्कोर टेबल, तो पहला है पृष्ठ दो मतलब पेज दो तीन चार और लास्ट में टोटल मूल प्राप्त अंक, मतलब जैसे कि ये जो टेबल बना रखा है इसमें कि दूसरे पन्ने में कितना स्कोर आया, तीसरे पन्ने में कितना स्कोर आया, चौथे पन्ने में कितना स्कोर आया, तो इन तीनों पन्नों का स्कोर टोटल में आएगा। जैसे कि आप देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, मैंने आपको बताया था कि इसमें 90 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसमें कुछ 90 क्वेश्चन हैं। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्या आप अनुभव करते हैं कि बिना किसी अपराध के ही आपको दंड दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे पहले क्वेश्चन में आप उसमें बताया गया था कि इसमें हाँ है और ना है, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके पर्सनैलिटी पर चलता है तो आप इस पर हाँ पे करिए, अगर नहीं है तो नहीं पे कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, परिस्थिति के साधारण दबाव से भी क्या आप मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो हाँ पे लगा, अगर नहीं होता तो नहीं पे लगा। ऐसे इसमें 90 क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार है। जैसे कि लास्ट के दो क्वेश्चन है, जैसे कि लास्ट के दो क्वेश्चन है 89, क्या आपको प्राण सांस लेने में दिक्कत रहती है। 90 क्वेश्चन, क्या आपको दुख की कल्पना मात्र से ही घबरा जाते हैं, अगर ये आपके साथ होता है तो हाँ पे करें, अगर नहीं होता तो नहीं पे करें। इसमें इतना ही है। अब हम बात करेंगे कि इसकी प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाई जाती है। तो प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए पहले इस टेस्ट को कंप्लीट करना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल फाइल बनाने में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है एम यानी पर्पस। इंग्लिश वालों के लिए तो ये है टू असेस द एंग्जायटी लेवल ऑफ ह्यूमन यूजिंग सिनर्स कॉम्प्लेक्स एंग्जायटी टेस्ट। सिनर्स की व्यापक चिंता का प्रयोग करके मानव की चिंता स्तर का पता लगाया। इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, सिनर्स कॉम्प्लेक्स एंग्जायटी टेस्ट का उपयोग करके व्यक्ति की चिंता स्तर का पता लगाया। अगला टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट यानी मूल अवधारणा। इसके अंदर आता है जैसे कि एंग्जायटी को डिफाइन करना, एंग्जायटी डिसऑर्डर के टाइप्स को डिफाइन करना। इसमें मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट यानी परीक्षण का वर्णन कि इस टेस्ट में है क्या। तो इंग्लिश वाले इसमें लिखें, द टेस्ट हैज़ बीन डेवलप बाय AKP सिन्हा एंड LKP सिन्हा। इट हैज़ 19 आइटम। द आइटम ऑफ द टेस्ट वेयर लार्जेस्ट ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट ऑन द बेसिक ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी रिपोर्ट बाय डस हु विजिट द इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड सर्विस पटना यूनिवर्सिटी फॉर साइकोलॉजिकल असिस्टेंट। और हिंदी वाले इसमें लिख सकते हैं परीक्षण का विवरण कि इस टेस्ट को AKP सिन्हा और LKP सिन्हा बनाया। तो इसमें 19
90 क्वेश्चन है जो कि इस बात पर निर्भर करते हैं कि व्यक्ति का एग्जाइटी लेवल कितना है, जो कि मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए पटना विश्वविद्यालय का दौरा किया द्वारा चिंता की सहानुभूति के आधार पर निर्मित किया गया था। इसे आप इंग्लिश वाले को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना हिंदी वाले, और बाकी इस सबको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगला जो टॉपिक होता है उसे बोलते हैं रिलायबिलिटी। टेस्ट की रिलायबिलिटी क्या होती है इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा इस वीडियो में समझा दूंगा। इसमें आया टॉपिक द कोफिशियंट ऑफ द रिलायबिलिटी वॉज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग टू मेथड, मतलब इस टेस्ट को दो मेथड के द्वारा रिलायबिलिटी किया गया है। पहला टॉपिक है द टेस्ट टेस्ट वॉज एम्प्लॉय डिटरमाइंड द एम्प्लॉय स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन बिटवीन द टेस्ट एंड टेस्ट स्कोर वॉज 0.85। यानी टेस्ट टेस्ट मेथड के द्वारा इसमें इसका जो स्कोर आया था 0.85 था, और दूसरी बार जब इसको किया गया था इसमें लिखा है यूजिंग स्पेयरमैन ब्रोमन फॉर्मूला द रिलायबिलिटी कोफिशियंट ऑफ द टेस्ट वॉज फाउंड टू बी 0.09। यानी विश्वास जो इसका अगला स्पेयरमैन का फॉर्मूला यूज करके इस परीक्षण की विश्वसनीयता आई थी 0.92 पाया गया था। इसमें जो अगला टॉपिक आता है उसे हम कहते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी के रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में बहुत डिफरेंस रहता है, तो मैं इस दोनों के बारे में बाद में बताऊँगा। पहला टॉपिक वैलिडिटी में जो हमें लिखना है उसके अंदर आएगा द कोफिशियंट ऑफ द वैलिडिटी ऑफ डिटरमाइंड बाय कंप्यूटिंग द कोफिशियंट को कॉम्प्रिहेंसिव एंग्जाइटी टेस्ट एंड द टेलर मैनिफेस्ट एंग्जाइटी स्केल। इट वॉज 0.62 विच द सिग्निफिकेंट बियॉन्ड 0.001 लेवल ऑफ कोफिशियंट। इसकी का मतलब है वैधता का गुणांक व्यापक चिंता परीक्षण की गणना और टेलर के प्रकट चिंता पैमाने पर करने पर निर्धारित है किया गया था। इसमें था पहला जो आया था वो था 0.62 जो कि 0.001 से बहुत ज़्यादा था। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होती क्या, पहले आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि हम उस टेस्ट को जितनी बार करें उसका सेम स्कोर आए, और वैलिडिटी का मतलब होता है कि जिस चीज़ के लिए उस टेस्ट को बनाया गया है वो उसी चीज़ को मेज़र करे, यानी उसी चीज़ को मापे। जैसे कि अगर कोई टेस्ट इंटेलिजेंट के लिए बनाया गया तो खाली इंटेलिजेंट को मापे, अगर वो इमोशन को मापे तो वो वैलिड नहीं रहता। देखिए प्रोडक्शन इस टेस्ट में यूज़ क्या क्या होता है, जैसे कि आपको लिखना है इसमें मटेरियल जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी उसका बिहेवियर रिपोर्ट, ये सब इसमें लिखा जाता है। यानी प्रक्रिया होती है एक प्रकार की, डाटा डालते हैं, बाकी चीज़ें जो नॉर्मली उसका बिहेवियर कैसा था, ये था ऐसा, ये सब डालते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है इसमें स्कोरिंग का। तो स्कोरिंग नॉर्मली मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ, जैसे कि आपने जितने भी यस किए होंगे उन सबको काउंट करके स्कोरिंग आएगी। तो स्कोरिंग नॉर्मली है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फिर आता है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट यानी परिणाम की व्याख्या। पहला आता है कि एग्जैक्ट उस सब्जेक्ट की एग्जैक्टिव डिफाइन करना, तो उसे हम ऐसे करेंगे द सब्जेक्ट गॉट अ स्कोर ऑफ कि उसने कितना स्कोर किया। फिर आया कोरिस्पॉन्डिंग टू अ परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या है वो आप मैनुअल जो भी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें वो कर लेना, विच मीन द सब्जेक्ट हैज़ मैनुअल के अकॉर्डिंग उसके एग्जाइटी किस लेवल के, स्टेम हाई ले जाए एग्जाइटी, लो एग्जाइटी, नॉर्मल अबव एग्जाइटी, ये सब इसमें देख लेना लेवल किस लेवल का। अगर उसका स्कोर 50% से के अंडर आया तो मोटिव नॉर्मल है, नॉर्मल बातचीत करके ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका अबाउ 75% से आए तो उस व्यक्ति को काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, साइकोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी, ये सब कि तब उसकी एग्जाइटी लेवल नॉर्मल होगा। तो मैंने इस पर वैसे एक बुक बनाई है, वैसे मैं आपको इसमें दे देता हूँ, लेकिन आप इस बुक को ख़रीदना चाहें तो इस बुक का रेट मैंने रखा है 49 रुपीज़, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे मैं आपको खरीदने की जरूरत पड़ी तो ख़रीद लेना, नहीं तो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा इस वीडियो में। का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो मैंने इसे ब्लॉग में बनाया है, तो आप वहाँ पे जाके इसे देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा पूछना है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि जैसे मैं नई वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।